We are so nice. Yes, yes, and obviously you have a great gratitude for that also. क्योंकि मतलब नायिकाओं का ट्रैवल करने का एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि सरगुन बगल में तो बट या एज यू राइटली आस्क्ड आई अभी बस कुछ महीने पहले ही शादी हुई और एक घर का जमाई बना हूँ तो ये सवाल अक्सर आया है सामने कि कैसा लगता है तो व्हाट हैज हैपेंड इज व्हाट हैज बीन अ ड्रास्टिक ड्रामेटिक शिफ्ट इन माई लाइफ इज कि मेरी जो चार लोगों की फैमिली थी जो चार लोगों का परिवार था अब वो नौ लोगों का हो गया विच ऑब्वियसली इंक्लूड्स सरगुन एंड सरगुन्स फैमिली एंड माई फैमिली एंड ऑब्वियसली माई सेल्फ तो बहुत जिम्मेदारियां जो है दुगनी हो जाती हैं जो उम्मीदें होती है परिवार की वो भी दुगनी हो जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें ह्यूजली चेंज जरूर हुई हैं लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर रियली ग्राउंडेड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स इन टर्म्स ऑफ योर हेड एंड हार्ट आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रिएट वैल्यू एज अ जमाई एज वेल एज यू बीन क्रिएटिंग वैल्यू एज अ सन सो आई एम लुकिंग एट दिस इन माई रियल लाइफ एज दैट एंड ऑल्सो देर इज ऑब्वियसली अ लॉट दैट आई हैव टेकन फ्रॉम माई रिलेशनशिप यू नो एज अ जमाई इन रियल लाइफ which I have been able to incorporate in my real life. So I'm really thankful कि वो पहले हो गया और ये बाद में रवि एक्टर रोल को एक अपनी जिम्मेदारी होती है जी जिम्मेदारी का कितना प्रेशर महसूस करते हैं I'm so sorry sir मैं एक्टर रोल की अपनी जिम्मेदारी होती है तो जिम्मेदारी का कितना प्रेशर जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लेकिन जब अपॉर्चुनिटी बड़ी होती है तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है और मैं जहाँ मैंने पहले भी कई दफ़ा अभी जस्ट स्पिलिंग द वर्ड ग्रेटिट्यूड अराउंड लाइक यू नो नोबडीज बिजनेस बट आई एम जेन्युइनली एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और क्योंकि अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है तो हाँ थोड़ा बहुत मतलब जिम्मेदारी जहाँ तक एज एन इंडिविजुअल एज अ प्रोफेशनल निभाने की जिम्मेदारी है मेरी मैं अपनी तरफ से अपना खून पसीना जान जो कुछ भी है वो लगा दूँगा एंड ऑब्वियसली एट द लेवल ऑफ प्रेयर आई विल रियली सी टू इट दैट दिस रियली गोज डाउन वेरी वेरी वेल विद एवरीबॉडी सो आई एम नॉट स्केयर्ड I'm just more responsible about it. Do we have further questions in the open forum or should we do it in a group way at the round tables? Any further questions in the open forum, please raise your hands now. Okay then, I request the electronic media to also come forward for a group bite. The photographers first take a photo. Please all stand up. Right. Not that I didn't get offers or anything, but अगर मैं शायद पीछे कोई offers ले ली थी तो I would have missed this opportunity to be here. Nevertheless, I do miss that tinge of you know female lead being the harbinger and it pinches me somewhere and I would be really honest with that. But nonetheless, it's okay. So, he is going to take it ahead and he's going to take the legacy forward and I'm glad that I am also a part of such a path breaking show. Hope it turns out really well for me. Niya, इससे पहले हमने आपको 1000 रुपए देखा था. वहाँ आपका character काफी you know bubbly था, काफी मस्ती खोर थी. क्या ऐसा ही कुछ character हमें इस show में भी नजर आएगा?
सबको मेरी ड्रेसिंग देख के लगता है एंड दिस इज़ वेरी मच व्हाट आई एम वेयरिंग इन द शो और बहुत अलग है फ्रॉम माय लास्ट कैरेक्टर. वो बहुत ही मिडिल क्लास यू नो फ्रॉम अ स्मॉल टाउन बहुत ही अच्छा था बट दिस वे यू नो इट्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम अगर मैं कुछ वैसा ही प्ले करती इट वुडंट हैव स्टूड आउट बट दिस टाइम आई एम रियली हैप्पी विद द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग सो या जमाई राजा है कितनी सेवा कर रहे हैं जी. सेवा तो डेफिनेटली बहुत करनी पड़ती है. एक पुरानी सोच है कि मतलब जब जमाई राजा बन जाते हैं तो सेवा होती है, एक्चुअली उल्टा है, मतलब आपकी जिम्मेदारी 10 गुना और बढ़ जाती है. सॉरी सो कैन यू रिपीट योर जब जमाई राजा बने तो कितनी सेवा करनी पड़ती है. कहते हैं कि जमाई की बहुत खातिरदारी होती है लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है. जी मामला उल्टा ही है और असल जिंदगी में उल्टा ही होता है. ऐसा लोगों को लगता है कि जमाई राजा बन जाते हैं तो बहुत खातिरदारी होती है जो होती भी है. लेकिन एक मेरे ख्याल से ओवरऑल ही एक एवोल्यूशन आई है लोगों के सोचने में. तो जो जमाई राजा को जो सर पे बिठा लिया जाता था अब वो नहीं है. जमाई अगर बहू को हम बेटे के रूप में देखना चाहते हैं तो जमाई को भी बेटे के रूप में आना पड़ेगा. जहाँ उसके सास ससुर को इतना हक है कि वो उन पे चिल्ला भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं, फटकार भी सकते हैं, उसको उसके गलत बात को गलत भी बोल सकते हैं. तो फाइनली इंडिया दैट लेवल इज इवॉल्विंग और जमाई राजा को बेमतलब कंधे पे नहीं बिठाया जाता. तो अब बाकायदा उनको बेटे का दर्जा दिया जाता है और बेटे को लाद भी पड़ती है. और जैसे बहुएं घर का काम करती थी, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, यू नो सास के सर में तेल लगाना, वो अब जमाई राजा का. तेल मुझे इतना पसंद नहीं है, बाकी सब मैं कर लूंगा. और तुम्हें सिखा के भेजा है ना घर से? मुझे घर से सब सिखा के भेजा है. नहीं, मेरी तो किस्मत ऐसी है कि मुझे किसी से डरना ही नहीं पड़ता. बट यस, आई एम वेरी हैप्पी. मोर देन एनीथिंग एल्स, यू गॉट अ ब्यूटीफुल टीम हियर. यू गॉट एन ऑसम सेट ऑफ पीपल. सो इट्स लाइक वी हैव फन, वी एंजॉय आवरसेल्व्स एंड या इट्स लाइक ग्रेट ग्रेट. टच वुड. अक्सर जो हर माँ चाहती है कि जो मेरा बेटा है ना उसकी बहुत ज्यादा खातिरदारी हो उसके ससुराल में, पर यहाँ तो उल्टा होगा, वो उनकी खातिरदारी करे. यही सिखा के तो भेजा है. एब्सोल्युटली. और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट ऑल्सो. मतलब मिस्टर मिसेस खुराना बहुत एक दोस्त की तरह है बेटे के साथ. तो सारी अपनी प्रॉब्लम्स जो है हमसे शेयर करता है और हम इसे अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ देते हैं, अच्छे अच्छे एडवाइस देते हैं कि जाके और खातिरदारी कर और प्यार दे वहाँ पर ताकि तुझे भी और प्यार मिले. और घर में जाके जैसे बहू कलश गिराती थी ना, ऐसा नहीं गिराएगा. पानी में पैर रख के कैसे ऐसे ऐसे जाते हैं, इस बार वो सब ये करेगा. क्यों नहीं, क्यों नहीं कर सकते? और हेलो, आप अगर आम जिंदगी में अगर देखो तो होटल्स में शेफ्स कौन है? मेल. हाँ, बाल कौन काटता है? मेल. नो सीरियसली, पान कौन बनाता है? मेल. मसाज कौन देता है? मेल. जनरली अगर देखा जाए तो सो डेफिनेटली अब टेलीविजन में भी वो एक चेंज की बहुत आवश्यकता है और वो जमाई राजा से हो रही है एंड हम सब उसका हिस्सा हैं. तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? बहुत दिखेगा, कॉमेडी का दिखेगा, इमोशंस का दिखेगा, हर टाइप का तड़का दिखेगा. तभी तो जितना जब भी इतना इंटरेस्टिंग हो रोल तो ही मैं करूँगी. और इट्स अ वंडरफुल कास्ट और मुझे भी वैसा ही शो करना था, वो जो थोड़ा सा हटके हो, थोड़ा सा अलग हो. तो इट हैज बीन अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. ओके, टेल अस, एज यू सेड कि आप शुगर हैं इस पूरे उसमें, तो कितनी मिठास बिखेरने वाली इन सबकी लाइफ में स्पाइस कम करने के लिए? बहुत ज्यादा, स्पेशली जब जमाई तो घर में आएगा तो शायद मैं और रवि कुछ ज्यादा ही मिठास स्प्रेड करने वाले हैं. हाँ, मतलब इन पूरे ड्रामे के बीच जो ड्रामा आपको दिखाई देगा उसमें मोस्टली मैं और अपरा जी जो सीन्स होंगे आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आने वाले. बिकॉज वी आर नॉटी, वी आर नॉट ओनली रेंडरिंग कॉमेडी बट बहुत नॉटी है, बहुत मस्तीखोर. एंड मतलब दोनों हम जब मिलते हैं तो सीन को एक अलग मोड पे लेके जाएंगे. बहुत छोटी है अभी, क्या अभी बहुत टाइम है. इफ यू टॉक अबाउट रियल लाइफ, आई थिंक आई फ्रीक आउट एट द थॉट ऑफ मैरिज आल्सो. बट जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मैं हूं पर वो वाली बड़ी हो जाऊंगी तो मैं बहू बन के जाना पसंद करूंगी rather than getting somebody. You like a man, you don't like a woman. Rather than getting a woman. Thank you so much. Thanks to Boo.